नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास, सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत गुरु पूर्णिमा महापर्व पर मां अष्टभुजी दरबार एवं सदगुरु कबीर आश्रम पहुंचकर गुरु चरणों में नमन करते हुए चरणदास महंत ने कहा कि गुरु से बड़ा कोई नहीं। गुरु पूर्णिमा के दिन हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। वेदव्यास जी ने चारों वेदों का ज्ञान भी दिया और पुराणों की रचना की, इसलिए हम दिन में इस दिन को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है क्योंकि गुरु सूर्य के प्रकाश के समान है। गुरु ही हमारी शिक्षा, ज्ञान और जीवन का आधार है। गुरु के बिना सफल जीवन नहीं है। गुरु दो अक्षरों से मिलकर बना है। गा का अर्थ अंधकार से है और रू का अर्थ अंधकार से, अज्ञानता से हटाकर जो ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा गुरु है। कहते हैं महंत ने दोहा के रूप में गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सब धरती कागज करूं लिखनी सब बन राय, सात समुंदर की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। महंत ने कहा कि गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। गुरु भगवान से भी बढ़कर होता है। जिस पर गुरु की कृपा होती है वह व्यक्ति अपने जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहता है। सती से रामनारायण गौतम की एक खास रिपोर्ट।